राफिया, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, आप इम्पोर्टेड मेकअप यूज़ करती हैं या लोकल? इम्पोर्टेड क्योंकि वो स्किन के लिए अच्छा होता है। स्किन के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ड्यूटी ऐड कर दी गई है और काफी महंगा कर दिया गया है इम्पोर्टेड मेकअप। इस टैक्स की वजह से खवातीन तो परेशान है ही। बीइंग एंकर, हम भी हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि मेकअप पे थोड़ा हौला हाथ रखें। शहला महमूद ने एक रिपोर्ट बनाई है, आपको दिखाते हैं। लिपस्टिक हो या मस्कारा, मेकअप के बगैर नहीं है खवातीन का गुजारा। गुजारा हो भी कैसे, हुस्न निखारने के लिए इन्हीं मसनूआत का है सहारा। हुकूमत ने ड्यूटी और टैक्स में इजाफा करके खवातीन की दुखती रग पर हाथ रख दिया। मेकअप करना तो ऑब्वियसली कोई भी नहीं छोड़ेगा, बट मेकअप पे ही क्यों हम लोग 50% ये बढ़ा रहे हैं, हर दिन रोजाना कोई ना कोई चीज पे ये टैक्स बढ़ा देते हैं। 1000 रूपए वाले लिपस्टिक 1500 में, 3000 रूपए का फाउंडेशन 4500 रूपए का मिलेगा। मैं तो इस बात से बहुत अपसेट हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे लगता है जो चीज़ें बाहर से इम्पोर्ट होती हैं उस पर कम से कम टैक्स लगना चाहिए ताकि हमें वो आसानी से मिले। खवातीन कहती हैं किसी भी चीज़ पर टैक्स लगा दें लेकिन मेकअप के सामान को ना छेड़ें। मेकअप मसनूआत पर चाहे 50% टैक्स आयद किया जाए या फिर उससे कहीं ज्यादा। खवातीन कहती हैं कि वो खाना पीना तो कम कर सकती हैं लेकिन मेकअप का इस्तेमाल नहीं। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ शहला महमूद, समा, कराची।